बड़वा में अतिवर्षा और खेतों में जल जमाव को लेकर 25 ग्रामों के किसानों ने रैली निकाली। सर्वे करने को लेकर आवेदन भी दिया गया। बड़वा अतिवर्षा और खेतों में जल जमाव के चलते कई किसानों की कपास, मक्का सहित अन्य फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसानों ने शासन से मुआवजे की मांग की है। अतिवर्षा और खेतों में हुए जल भराव को लेकर 25 ग्रामों के किसानों ने रैली निकाली। सर्वे करने के लिए आवेदन भी दिया गया। बड़वा अतिवर्षा और खेतों में हुए जल जमाव के चलते कई किसानों की कपास, मक्का सहित अन्य फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसानों ने जहां एक ओर शासन से मुआवजे की मांग की है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित फसलों का अभी तक सर्वे न किए जाने पर किसानों में पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों के प्रति रोष है। मंगलवार दोपहर में किसानों ने बड़वा की कवर कॉलोनी से रैली निकाली। रैली इंदौर रोड, जय स्तंभ, मुख्य चौराहा, एमजी रोड से झंडा चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में करीब 25 से अधिक ग्रामों के किसान सम्मिलित हुए। रैली में महिलाएं अतिवर्षा के चलते खराब हो चुके कपास और गन्ने के पौधों को हाथों में लेकर चल रही थी। रैली में प्रशासन की उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रभावित फसलों का जल्द से जल्द सर्वे करने को लेकर नायब तहसीलदार टी विस्के को अपने खेत का सर्वे करने के लिए आवेदन दिया गया। इस दौरान किसान ज्ञान सिंह नायक ने बताया कि विगत दिनों हुई अतिवर्षा से खेतों में लगाई गई कपास और मक्का की फसल नष्ट हो गई है। जो लागत लगाई थी वो भी नहीं निकल पाई, लेकिन अभी तक शासन उदासीन बना हुआ है। पटवारी द्वारा खेतों में सर्वे नहीं किया गया और न ही बीमा कंपनी के सर्वेयर खेतों में पहुंचकर मुआवजे के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में किसानों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन को आगे आने की अपील की है।